जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद इस देश के सेंटर स्टेज में एक बार फिर से सैनिक आ गए हैं, हमारे जवान आ गए हैं। नमस्कार, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं और मेरा नाम नीरज है। हमारे यहाँ तमाम लोग सेना और अर्धसैनिक बलों को एक ही मान लेते हैं। बीते कई दिनों से ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लोग सेना के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों में ज्यादा फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इनका काम और सेवा शर्तें भी अलग अलग होती हैं। ऐसे में सेना और अर्धसैनिक बलों के अंतर को समझना जरूरी है। पहला सवाल, कैसे काम करती हैं सेनाएं? सेना में सिर्फ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी शामिल है। सेना आमतौर पर युद्ध के वक्त मोर्चा संभालती है। शांति के समय सेना देश भर में सेना के लिए बनाई गई छावनी यानी कैंटोनमेंट में रहती है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग रिहायशी क्षेत्र बनाए गए हैं। आमतौर पर जब युद्ध नहीं होता है तो सेनाएं वहीं रहती हैं। नेवी का काम समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने का होता है, इसीलिए इनको शांति के वक्त में भी समुद्री सीमाओं पर मुस्तैद रहना होता है। तीनों सेनाओं में सैनिकों की तादाद करीब 13.50 लाख है। सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। सेना में लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, इस तरह की रैंक्स होती हैं। सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। तो ये सेना का सवाल। दूसरा सवाल, अर्धसैनिक बलों में कौन कौन शामिल होते हैं? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी शामिल हैं। देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या 9 लाख से ज्यादा है। अर्धसैनिक बलों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से सटी सीमाओं पर ड्यूटी देनी पड़ती है। अर्धसैनिक बलों में सिविल पुलिस की तरह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट कमांडेंट और कमांडेंट, डीआईजी, आईजी और डीजी की पोस्ट होती है। अर्धसैनिक बलों में रिटायरमेंट के बाद आर्मी की तरह पेंशन नहीं मिलती है। अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के मातहत में काम करते हैं। अब एक नाम आया सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या करती है? आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया जाता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटी सीमा पर ड्यूटी पर लगाया जाता है। बीएसएफ शांति के समय तैनात की जाती है, युद्ध के समय बीएसएफ की जगह सेना मोर्चा संभालती है। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस को लगाया जाता है। आईटीबीपी का मतलब वही होता है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा का जिम्मा है इसके ऊपर। असम राइफल्स, इन्हें असम के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में ड्यूटी देनी होती है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल को भारत नेपाल सीमा पर तैनात किया जाता है। अब आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कि अर्धसैनिक बलों की बड़ी शिकायत क्या रहती है? अर्धसैनिक बल बीते कई सालों से सेना जैसी सहूलियतें मांग रहे हैं। उनकी शिकायत रहती है कि वो भी सेना जैसी परिस्थितियों में देश के भीतर और सीमाओं पर काम करते हैं, ऐसे में उनको भी उसी तरह की सेवा शर्तें और सम्मान मिलना चाहिए जैसा सेना को मिलता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड पैरामिलिट्री एसोसिएशन के महासचिव हैं रणवीर सिंह। उनके मुताबिक 7वें वेतन आयोग में अर्धसैनिक बलों को सिविलियन का दर्जा दे दिया गया है। वन रैंक वन पेंशन की बात तो दूर, 7वें वेतन आयोग ने उनको भत्ता तक नहीं दिया। अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करती रही है। न केवल पेंशन बंद कर दी गई है बल्कि फौजियों की तरह एमएसपी भी नहीं देती है। और तो और, सेना की कैंटीन में जीएसटी की छूट दी गई है लेकिन अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में जीएसटी से कोई छूट नहीं मिली है। हकीकत में अर्धसैनिक बल भी सेना के कदम से कदम मिलाकर देश और देश के नागरिकों की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा को कम करके आंकना जायज नहीं कहा जा सकता। पुलवामा में आप देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लगातार सीआरपीएफ की तैनाती इस सब का सबूत है। तो ये थी सेना और अर्धसैनिक बलों में अंतर वाली एक छोटी सी खबर, जिसको समझना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की ज़रूरी खबरें दी ललन टॉप पर आती रहती हैं। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्लीज़ डाउनलोड करें, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वहाँ सारी वीडियोज़, सारी खबरें
सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। साथ में फेसबुक पेज लाइक करना है और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, ये तो आप जानते ही हैं। शुक्रिया।